अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शिज़ है और मैं गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हूँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। मुझे यहाँ तकरीबन 2 साल हो गए और आज आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हुई हुई है हर तरफ। हम लोग भी फ्रंट लाइन पर इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पर कोई किट्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है, हमने अपनी चीज़ें खुद परचेज की हैं और इसके कम होने की रीज़न ये भी है कि ये एक दफ़ा अगर यूज़ हो जाए तो दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ये है कि हम लोग यहाँ पे जो पेशेंट्स को डील करते हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि कौन सा पेशेंट क्या है। हम लोग फर्स्ट लाइन पे हैं और हमारी वजह से हमारी फैमिलीज भी रिस्क पे हैं, इसीलिए डर भी लगता है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि सब लोग खैर खैरियत से इस मुश्किल वक्त को गुजारें और प्रोटेक्ट रहें। बाकी मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से ही MBBS किया है और मैं सुपीरियर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वहाँ से ही मेरी हाउस जॉब भी थी और बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं वहाँ के टीचर्स। मैं अभी तक भी भूल नहीं पाई हूँ और ना कभी भूल पाऊँगी सुपीरियर को। और अब जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहती हूँ कि सब लोग मिल के इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ आगे बढ़ें और अपने घरों में रहें, बल्कि दूसरों को भी अवेयरनेस दें, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको अवेयर हम लोगों ने करना है अपने घरों में रह के या कोई कंपेन करके। तो जिनके पास मास्क नहीं है, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो उन लोगों को प्रोवाइड करें। और रमज़ान में भी अगर आप मस्जिद में भी जाना चाहते हैं तो फास्ता रख के पूरी प्रिवेंटिव मेजर्स लेके तो आप लोग जाएं और इंशाल्लाह हम जल्द ही इस मुसीबत से निकल जाएं, क्योंकि जो हमारा एहतियात है वही इलाज है। तो बहुत शुक्रिया आपका।